बच्चों, हम आज ग्रामर में एक नया टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स क्या है? अब देखो, अगर मैं कहूँ कि आप कितने सुंदर हो, सो जो मैं सुंदर कह रही हूँ दैट इज एन एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास चार किताबें हैं, सो जो मैं फोर कह रही हूँ किताबों के लिए, वो एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। सो जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के जो नाउन को, हम एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, सो दैट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सिंपल सी चीज है, जब आप नाउन को डिस्क्राइब करते हो कि बूढ़ी औरत, सो औरत इज अ नाउन, वुमन इज अ नाउन, बट बूढ़ी, ओल्ड, ठीक है। इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंट मतलब मासूम सा बच्चा, सो चाइल्ड इज नाउन बट इनोसेंट इज एडजेक्टिव। हम एक नाउन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। सो एड, एडजेक्टिव में एड वर्ड ही देख लो, एड मीन्स एड करना, एडिंग मीनिंग टू द नाउन। नाउन को जब आप कोई मतलब नाउन के बारे में और ज्यादा बताते हो, सो दैट इज एन एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव के बारे में, सो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, हम पहले पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बेसिकली एडजेक्टिव है क्या। सो एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउंस बाय आंसरिंग वन ऑफ दीस क्वेश्चंस, ठीक है। सो एडजेक्टिव्स जो हैं नाउंस को डिस्क्राइब करते हैं इन तीन सवालों का जवाब देके। पहला सवाल, व्हाट काइंड इज इट, ये इसका तरह क्या है, इसका प्रकार क्या है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी आर देयर, कितने हैं, ठीक है। हाउ मैनी आर देयर, ठीक है। तीसरा, विच वन इज इट, कौन सा है ये, ठीक है। सो एडजेक्टिव जो है नाउंस डिस्क्राइब करते हैं तीन क्वेश्चनों के, जो इन तीन सवालों के जवाब देके, व्हाट काइंड इज इट, हाउ मेनी आर देयर, विच वन इज इट, ठीक है। सो व्हाट काइंड इज इट, सो पहला सवाल, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, हेमा डिसाइडेड दैट द ब्राउन ब्रेड वुड मेक डिलीशियस सैंडविचेस। अब देखो, हेमा ने कहा कि भाई ब्राउन ब्रेड से अच्छे सैंडविचेस बनेंगे, ठीक है। सो ब्राउन ब्रेड से अच्छे सैंडविचेस बनेंगे। सो यहाँ देखो आप, जो नाउ क्या किस तरह का है, सो सैंडविच कैसा है, डिलीशियस है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर देयर, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल, द मोस्ट डिसिप्लिंड स्टूडेंट इज लव्ड बाय ऑल, ठीक है। सो जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन बच्चा होता है उसे सब पसंद करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे द मोस्ट डिसिप्लिन, सो मोस्ट स्टूडेंट के लिए बोला गया है, मोस्ट डिसिप्लिन, ठीक है। सो इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो विच वन इज इट, मतलब कौन सा बच्चा, सो मोस्ट डिसिप्लिन बच्चा, ठीक है। सो ये देखो, ये एग्जाम्पल ये दिखा रहा है व्हाट काइंड, तो ये दिखा रहा है। अब हाउ मैनी, जैसे कि टू काउज वर ग्रेजिंग, सो कितनी काउज ग्रेज कर रही थी, तो टू, ठीक है। सो इन तीनों काउज दो थी, स्टूडेंट मोस्ट डिसिप्लिन है, सैंडविचेस डिलीशियस हैं, ठीक है। सो इस तरह से एडजेक्टिव जो है नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। सो इन इंग्लिश में जो एडजेक्टिव है हमेशा
नाउन से पहले आता है, ठीक है। मोस्टली हमारी जो इंग्लिश भाषा है उसमें नाउन से पहले ही आपको एडजेक्टिव देखने मिलेगा, ठीक है। यूजुअली यूजुअली ऐसे ही होता है, ठीक है। सो ये आप याद रखना। सो इन इंग्लिश एन एडजेक्टिव कम्स यूजुअली बिफोर द नाउन, ठीक है। सो नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आता है, ठीक है। सो या तो कब आता है और आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, या तो एक वर्ब के बाद आता है, जैसे कि बी, लुक और फील, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव मोस्टली नाउन के, इस तरह से मतलब नाउन के पहले आ जाता है एडजेक्टिव, या तो कभी एक बीच में वर्ब जैसा होता है, लिंकिंग वर्ब। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे कि देयर गार्डन लुक्स बिग, ठीक है। सो उनका गार्डन बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ देखो लुक्स क्या है, लुक्स है लिंकिंग वर्ब, किसको लिंक कर रहा है, गार्डन जो कि नाउन है और बिग है जो कि एडजेक्टिव। तो देखो है ये एडजेक्टिव ही, ठीक है, बिग एडजेक्टिव है। सो कहाँ इस्तेमाल हुआ एडजेक्टिव का, यहाँ जहां पे लुक्स था, ठीक है। सो ये लिंकिंग वर्ब कहलाया। सो इंग्लिश में आप तो भी यहाँ देखो नाउन पहले ही है, एडजेक्टिव बाद में है, और ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ ये नाउन बाद में है, एडजेक्टिव पहले है, ठीक है। सो दिस वॉज योर जस्ट द बिगिनिंग। अब हम करते हैं आगे। सो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ये है हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो कितने एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स के कितने टाइप्स हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। टोटल 5 टाइप्स हैं। सो पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, दूसरा टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, तीसरा टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, चौथा टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पांचवा टाइप है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है। सो इस तरह से एडजेक्टिव्स के 5 टाइप हैं। सो सबसे पहला टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, सो बेसिकली ये एडजेक्टिव्स जो है नेचर दिखाते हैं नाउन का, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सो क्या लिखेंगे हम इनके बारे में, कि दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ नाउन। एक नाउन का भाई, एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं ये एडजेक्टिव्स। ये क्या करते हैं, दे गिव एन आइडिया, हम एक आइडिया देते हैं नाउन के बारे में, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन की खासियत के बारे में, नाउन की विशेषता के बारे में। ऑब्वियसली विशेषण कहा जाता है एडजेक्टिव को। सो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि भाई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जैसे कि काइंड वुमन,
जैसे कि लार्ज बॉक्स, ठीक है। तो ये सब क्या है उनके बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं। सो न्यू दिल्ली इज अ बिग सिटी, नई दिल्ली एक बड़ी सिटी है। सो सिटी कैसी है? बिग है, ठीक है। सो महेश इज एन इंटेलिजेंट मैन। सो महेश कैसा मैन है? इंटेलिजेंट, ठीक है। सो ये हुआ क्वालिटी, ठीक है। सो न्यू दिल्ली इज अ बिग सिटी, सिटी की क्वालिटी, मैन की क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंट। सो इस तरह से, ठीक है। सो क्वालिटी चेंज भी होती है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्टिकुलर पर्सन का। सो सेकेंड है हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सो ऑब्वियसली नाम से ही पता लग गया होगा क्वांटिटी में आपको क्या दिखाते हो, आप क्वांटिटी दिखाते हो चीज की। सो दीज एडजेक्टिव्स हेल्प टू शो, तो ये एडजेक्टिव्स किस चीज में मदद करते हैं दिखाने के लिए? क्या दिखाते हैं? अमाउंट शो करते हैं, द अमाउंट और द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। सो क्या शो करते हैं? क्वांटिटी, क्वांटिटी शो करती है अमाउंट किसका, मतलब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या शो करते हैं? अमाउंट किसका, नाउन या प्रोनाउन का अमाउंट शो करते हैं, ठीक है। सो इसका भी एग्जाम्पल है। सो ऑल वर्क इज डन, ठीक है, मतलब सारा काम हो गया। सो ऑल वर्क क्या? ऑल, सारा, ठीक है। सेकेंड है फ्यू पीपल वेंट टू चाइना, ठीक है, कुछ लोग चाइना गए। सो कितने लोग? फ्यू। सो इस तरह से ये क्वांटिटी, तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज होते हैं? सो वो वर्ड्स हैं ऑल, हाफ, मैनी, फ्यू, लिटिल, नो, इनफ, ग्रेट, एक्सेट्रा, ठीक है। ऑल, हाफ, मैनी, फ्यू, लिटिल, नो, इनफ, ग्रेट, ठीक है। सो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये यूज होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर। फिर तीसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। सो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। सो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या है? सो दीज एडजेक्टिव्स आर यूज टू शो द नंबर ऑफ नाउन्स एंड देयर प्लेस इन एन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस के साथ ये एडजेक्टिव्स नाउन्स को दिखाते हैं और जगह को दिखाते हैं। सो ऑर्डर, ऑर्डर वर्ड से क्या वर्ड आया? ऑर्डिनल्स। सो ऑर्डिनल्स आर द वर्ड यूज आर द वर्ड वैल्यूज टू रिप्लेस द नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 20 एक्सेट्रा, ठीक है। सो और कार्डिनल्स क्या होते हैं? कार्डिनल्स
आर वर्ड्स लाइक फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ एसेट्रा. ठीक है, सो ऑर्डिनल्स क्या है? ऑर्डिनल्स 1, 2, 3, 20 ये सारे वर्ड्स के लिए यूज होते हैं. कार्डिनल्स फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ इन सब के लिए यूज होते हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल इट वॉज माई फर्स्ट डे एट द स्कूल. ठीक है, मेरा पहला दिन था स्कूल में, फर्स्ट. सो ये एक नंबर दिखा रहा है भाई, पहला है, एंड ये है कार्डिनल, इसे कार्डिनल कहा जाता है. सिया गॉट टू बार्स ऑफ चॉकलेट, मतलब सिया को चॉकलेट के दो टुकड़े मिले. सो कितने? टू. ठीक है, सो इस तरह से ये कार्डिनल ऑर्डिनल, मतलब ये तो मैंने खाली आपको नंबर के बारे में बताया, भाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा यूज होता है तो उसे कार्डिनल कहते हैं, और 1, 2, 3 यूज होता है उसे कहते हैं ऑर्डिनल. ठीक है, सो ये हुआ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या है? सो दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, ये जो एडजेक्टिव है आर यूज्ड टू पॉइंट आउट और इंडिकेट अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन यूजिंग द एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये जो एडजेक्टिव्स हैं पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं. कैसे एडजेक्टिव्स यूज होते हैं? जैसे कि दिस, दैट, दीस या दोस. ठीक है, सो ये जो एडजेक्टिव्स हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं. सो एग्जाम्पल यूज दिस पेपर नैपकिन. सो कौन सा पेपर नैपकिन यूज करो? दिस. ठीक है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है कि कौन सा पेपर नैपकिन? ये वाला. ठीक है, दीज बुक्स आर कॉस्टली. सो ये महंगी किताबें हैं. सो कौन सी किताबें? ये वाली. सो दीज, ठीक है, ये किताबें कॉस्टली हैं. सो इस तरह से आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो एडजेक्टिव के बारे में, शो कर सकते हो. फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव्स का इंटरोगेटिव. ठीक है, सो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, सो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? सो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, दीज एडजेक्टिव्स आस्क क्वेश्चंस अबाउट द नाउन्स. सो ये एडजेक्टिव से सवाल पूछते हैं किसके बारे में? नाउन्स के बारे में. और रिलेटिंग टू द नाउन्स, या नाउन्स से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं. डायरेक्ट नाउन के बारे में सवाल पूछते हैं या नाउन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं? रिलेटिंग टू द नाउन्स इन द सेंटेंस.
ठीक है। तो एग्जाम्पल, वेयर, व्हाट, विच एंड हुज, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या है? वेयर, व्हाट, विच एंड हुज, ठीक है। सो एग्जाम्पल, विच लीव टर्न्स ग्रीन फर्स्ट, कौन से लीव्स पहले ग्रीन होंगे? विच, हूज सन इज ही, ये किसका बेटा है, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन मार्क की मदद से, और डब्ल्यू एच फॉर्म, देखो क्वेश्चन का डब्ल्यू एच फॉर्म है। सो लीव्स कैसे, कौन से, सन बेटा किसका, लीव्स कौन से बेटा किसका। सो ये इस तरह से एडजेक्टिव हुआ। सो बच्चों ये तो थे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, पांच तरह के एडजेक्टिव्स के नाम। अब देखो एडजेक्टिव्स बनाए भी जाते हैं, फॉर्म भी किए जाते हैं। कैसे फॉर्म करे जाते हैं? सो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म करे जाते हैं? सो देखो एडजेक्टिव्स आप फॉर्म कर सकते हो प्रिफिक्स लगा के और सफिक्स लगा के। प्रिफिक्स मतलब उसके किसी भी पर्टिकुलर शब्द के पीछे कुछ ऐड कर दो तो एडजेक्टिव बन जाएंगे, और या सफिक्स मतलब उसके आगे कुछ ऐड कर लो। सो एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम वेरियस प्रिफिक्सेस एंड सफिक्सेस, ठीक है। सो एडजेक्टिव आप कैसे फॉर्म कर सकते हो कि बहुत सारे प्रिफिक्सेस और सफिक्सेस की मदद से आप फॉर्म कर सकते हो। सो एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड विद सफिक्सेस, एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड विद सफिक्सेस। सो सफिक्स की मदद से आप एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म कर सकते हो? सो द मोस्ट कॉमन वे टू फॉर्म एन एडजेक्टिव इन इंग्लिश, सो देखो बहुत ही जो कॉमन तरीका है एडजेक्टिव बनाने का इंग्लिश में, आउट ऑफ अ नाउन और वर्ब, किसी भी वर्ब या नाउन का यूज करके, इज टू ऐड अ स्पेसिफिक एंडिंग, इज टू ऐड अ स्पेसिफिक एंडिंग विच इज कॉल्ड सफिक्स, मतलब उसके एंड में कुछ लगा दो, इसे कहते हैं सफिक्स। मैंने शायद उल्टा बोल दिया। सफिक्स क्या है? सो एंड में जब आप ऐड करते हो वो सफिक्स हुआ। सो सफिक्स मतलब आप क्या कर सकते हो किसी भी नाउन या वर्ब में, नाउन क्या होता है, नाम, किसी भी नाउन या वर्ब में एंड में नया शब्द जोड़ के आप एडजेक्टिव बना सकते हो। जैसे कि सफिक्सेस कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल, सफिक्सेस आर, सो पहला है फुल, ठीक है। सो फुल में एग्जाम्पल क्या है? सोलफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। सोलफुल है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। सो ये है सोलफुल, ये है ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर सेकंड है एंट, ठीक है। सो एंट क्या है? हेजिटेट है, तो हेजिटेंट हुआ। फिर रिलक्टेंट हुआ, रिलक्टेंट से, तो रिलक्टेंट। सो हेजिटेंट, या रिलक्टेंट, ठीक है। हेजिटेंट हुआ, रिलक्टेंट हुआ, ठीक है। फिर थर्ड है आईवीई लगा दो, थर्ड,
ठीक है। सो जैसे इम्प्रेशन है, ठीक है, इम्प्रेशन एक नाउन है, सो पीछे आईवीई लगा दो तो हो गया इम्प्रेसिव। ठीक है, मतलब ये क्या लगा रहे हो आप, पीछे सफिक्स। ठीक है, सो नया शब्द बन रहा है। सोल लिखते, सोल सोल मतलब आत्मा, वो हुआ नाउन। तो जब सोल फुल लिख दिया तो वो क्या हो गया कि कहते हैं ना एकदम आत्मा को एकदम इम्प्रेस करने वाला, वैसा कुछ। भाई ये म्यूजिक बहुत सोलफुल है, ऐसा हम बोलते हैं ना। सो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, जब आप ब्यूटी बोलते हो, सो ब्यूटी, भाई शी इज अ ब्यूटी। ठीक है, हम किसी के बारे में बोलते हैं, बट जब आप फुल लगा देते तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सो इस तरह से आप नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इम्प्रेसिव कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली पीछे सफिक्स ऐड करके। फिर फोर्थ OUS, ठीक है। सो जैसे कि पॉइजन, अब पॉइजन जहर होता है, बट आप पॉइजनस लिख दो तो वो हो गया एडजेक्टिव। सो पॉइजनस, ठीक है। फिर गॉर्जियस हुआ, ठीक है, सो ये पॉइजनस हुआ, ये गॉर्जियस हुआ। फिर नेक्स्ट है एबल लगाना है आपको, ठीक है। सो ABLE, ठीक है। सो टॉलरेबल या एग्रीएबल, ठीक है। सो ये आपने देखो टॉलरेट को, ये तो एग्री को, ठीक है। सो इस तरह से आपने एबल लगाया, ठीक है। फिर सिक्स्थ है IC लगाएंगे, ठीक है। सो आइकन है, सो आइकॉनिक, कहते हैं ना ही इज अ पब्लिक आइकन। सो भाई पब्लिक आइकन का मतलब, भाई कहते हैं ना लोगों का, लोग मानते हैं वैसी हस्ती है, ये पब्लिक आइकन है। सो आइकॉनिक। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री से हिस्टोरिक आया, हिस्ट्री क्या है, नाउन है। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप सफिक्स ऐड करके एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि LY लगाया, ठीक है। सो LY लगाया, सो क्या होगा, कॉस्टली फ्रेंडली, ठीक है। ISH लगाया, सो क्या होगा, चाइल्डिश या टिकलिश, ठीक है। सो इस तरह से ISH मतलब सफिक्सेस एंड करके आप नया शब्द बना सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से जैसे ये एडजेक्टिव्स बने सफिक्स ऐड करके, वैसे ही प्रीफिक्स ऐड करके भी बना सकते हैं। ठीक है, सो एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड विद प्रीफिक्सेस, ठीक है। सो एडजेक्टिव्स जो हैं वो प्रीफिक्सेस से भी फॉर्म हो सकते हैं। सो अ प्रीफिक्स इज अ पार्टिकल सो आप प्रीफिक्स की मदद से भी बना सकते हैं। इज अ पार्टिकल वी ऐड इन फ्रंट ऑफ अ वर्ड, ठीक है। सो आप एक शब्द के आगे यूज कर सकते हैं, यूजुअली टू एक्सप्रेस नेगेटिव फीलिंग, ठीक है। ज्यादातर आप प्रीफिक्स नेगेटिव चीज बताने के लिए यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ अ वर्ड, यूजुअली टू एक्सप्रेस नेगेटिव मीनिंग, ठीक है। सो आप नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रीफिक्स लगाते हैं। सो प्रीफिक्सेस आर, प्रीफिक्सेस कौन कौन से होते हैं, सो अनलक मतलब ऑब्वियसली अन लगाओगे तो क्या बनेगा, अनलकी, ठीक है। सो अन लगाया, सो हुआ अनलकी। ठीक है, फिर आपने लगाया इल, सो इल से तो इलिटरेट, इलेजिमेट, बहुत सारे शब्द हैं। सो
इलीगल भी है, इलीगल, इलिटरेट है, ठीक है। अनपढ़ को इलिटरेट कहते हैं और पढ़े लिखे को लिटरेट कहते हैं, ठीक है। फिर इररिलेवेंट मतलब जो टॉपिक रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। फिर इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल ना हो उसे इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं। फिर इन लगाते हैं कई शब्दों के आगे, जैसे इनविजिबल, ठीक है, इनलैंड, ठीक है, लैंड का इनलैंड। इसके बाद डिस, ठीक है, सो लाइक बोलते हैं तो डिसलाइक, ठीक है। फिर इम, सो इम्प्रॉपर हुआ, इमॉर्टल हुआ, ठीक है। सो इस तरह से आप प्रिफिक्स ऐड करके एडजेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका मतलब आप इस तरह से नए नए शब्द बना सकते हैं नाउन और जो बाकी नाउन और वर्ब में आप ऐसे सफिक्स और प्रिफिक्स मिला के नए नए एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज भी देख लेते हैं इसका। सो बच्चों अभी जो मैंने समझाया उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप आंसर करने का ट्राई करना। सो आपको ब्लैंक्स फिल करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करके ब्लैंक्स फिल करो, ठीक है। सो फर्स्ट अल्कोहल इज ब्लैंक फॉर हेल्थ, सो ब्रैकेट में है हार्म। सो अभी क्या यूज करेंगे इसमें, सो फुल पीछे यूज कर लो एंड देन आपका इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, सो हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल। फिर सेकंड है विदाउट बैटरी योर मोबाइल इज ब्लैंक, अगर बैटरी ही नहीं है आपके मोबाइल में तो वो क्या है, यूज के बाद क्या लगाओगे, यूजलेस, ठीक है। थर्ड माय नेबर इज अ रिच एंड ब्लैंक पर्सन, सो मेरा जो नेबर है वो रिच है एंड ब्लैंक पर्सन, सो अगर पावर है सो यहाँ क्या होगा, पावरफुल पर्सन, ठीक है, पावरफुल, ठीक है। फोर्थ बिकॉज ऑफ हिज लो क्वालिफिकेशन, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन कम थी, ही वॉज ब्लैंक इन हिज जॉब, सक्सेसफुल, सो उसकी क्वालिफिकेशन कम थी तो इसलिए वो अपनी जॉब में कैसा था, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल था, ठीक है, क्वालिफिकेशन कम थी तो इसलिए अनसक्सेसफुल था। ही हैज टोल्ड मी ब्लैंक टाइम्स अबाउट हिज प्रॉपर्टीज, उसने मेरे को कई बार अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। सो काउंट, काउंट का क्या होगा, काउंटलेस, ठीक है। सो उसने मुझे बहुत बार अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, काउंटलेस टाइम्स। सो इस तरह से आप सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करके नए
आप एक नया शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको एडजेक्टिव का टाइप पता करना है, ठीक है? अंडरलाइन किए हुए हैं, आपको एडजेक्टिव का टाइप पता करना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है? जो अंडरलाइन किए हुए हैं उनके एडजेक्टिव के टाइप बताओ। सो फर्स्ट सेवन हंग्री डॉग्स अटैक्ड द थीफ, ठीक है? 7 भूखे कुत्तों ने थीफ को अटैक किया। सो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है सेवन हंग्री। सो अब आप बताओ कि सेवन क्या, हंग्री क्या? सो आंसर, सो सेवन है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेवन क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और हंग्री, भूखा होना क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सो हंग्री क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड वेयर डिड ही से ही वॉज गोइंग, उसने कहा कि वो कहाँ। सो वेयर को अंडरलाइन है। सो वेयर क्या है आपका? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सो वेयर है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। थर्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शुड बी टेकन फॉर गुड विजन, ठीक है? अच्छी नजरों के लिए, अच्छी आंखों के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी, सो ग्रीन लीफी, सॉरी वेजिटेबल्स पे नहीं, वेजिटेबल्स तो नाउन है। सो ग्रीन लीफी पे अंडरलाइन है। सो क्या है ग्रीन लीफी? सो आंसर, दोनों क्वालिटी है, ठीक है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ग्रीन भी क्वालिटी दिखा रहा है एंड एडजेक्टिव भी क्वालिटी दिखा रहा है। सो ग्रीन और लीफी दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर, दिस फ्रॉक इज हर्स एंड दैट टॉप इज माइन, ठीक है? ये फ्रॉक उसकी है और ये टॉप मेरा है। सो दिस और दैट, सो दिस दैट क्या दिखा रहा है? दिस और दैट दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव दिखा रहे हैं, ठीक है? सो दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है? लास्ट फिफ्थ, दिस लॉन्ग थिन स्पाइडर हैज मैनी लेग्स, ठीक है? ये जो लंबा पतला स्पाइडर है इसको बहुत सारे लेग्स हैं। तो अब बताओ क्या क्या है? सो आंसर, सो लॉन्ग और थिन, लॉन्ग और थिन क्या दिखाता है? लंबा पतला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसकी क्वालिटी दिखाता है।
और मैनी क्या दिखाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिखाता है, ठीक है? सो इस तरह से मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एडजेक्टिव एक बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक था। हमने देखा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और हमने देखा हम नाउन और वर्ब की मदद से कैसे नए एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग माय टुडेज लेक्चर ऑफ एडजेक्टिव्स। हमने आज ग्रामर में एडजेक्टिव टॉपिक कवर किया। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। ट्राई लुकिंग एट द लेक्चर एटलीस्ट ट्वाइस, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।